सरकार मुर्दाबाद प्रशासन के कानों में जो है नहीं जाती है, अगर जाती है लेटर जाती है मांग पत्र जाती है सभी कुछ जाता है, लेकिन वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। मैम क्या कुछ बताना चाहेंगी? बार बार आप लोगों को अभी तो नहीं लड़ाई है और जो जुलम की चक्कर में सरकार की मंशा है, कितना दम है जमन में तेरे, कितनी लंबी जेल है तेरी। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, सरकार हो गया हमारे माननीय श्री अमित जी मंत्री है, उनसे हमारी वार्ता हुई है 24 मई और 17 अगस्त को जो हमारा समझौता हुआ है, उस समझौते में हमारी बातचीत हुई है। हम ये कह रहे हैं जब आपने समझौता किया है, बातचीत के माध्यम से उसको निपटाया है, चिट्ठी पत्र के माध्यम से उसको सॉर्ट आउट कर दिया है, लेकिन नहीं होती। सरकार की मंशा हमारे को मानसिक तौर से शारीरिक तौर से परेशान करने की है और हम ये कह रहे हैं सरकार से कि समय रहते सरकार अपना चिट्ठी पत्र के माध्यम से हमारी मांगों पर ध्यान दे। अगर कोई प्रूफ नहीं दे रहे हैं वो आप लोगों को या फिर मांगे ही नहीं मांग रहे हैं? मांगे हमारी मानी जाती है, बैठक बुलाते मांगे मानी जाती है और उसको कहा जाता है कि आपकी जितनी भी डिमांड है ये जायज है। जब हमारी डिमांड है जायज है, मांगे जायज है, तो चिट्ठी पत्र निकालने में उनको क्या दिक्कत है? हम ये कह रहे हैं कि अगर आपको दिक्कत नहीं है तो हमारे जो चिट्ठी पत्र के माध्यम से इसको जारी करके और इस मामले में पूरे हरियाणा में एक सफाई कर्मचारी ऐसा कर्मचारी की जो किसी भी डॉक्टर है या उनको ये पता होता है वो कहीं जा रहे हैं, हमारे को ये भी नहीं पता कोरोना काल के चलते हमारे चाहे वो अपनी तरह की बात है चाहे उनके बीमारी में मनमूत्र की बात है, सभी तो हमारे साथ ही किया है। हमारे कर्मचारियों ने लगातार सेवाएं दी है और कोरोना में जब खुद के माँ बाप जिन्होंने जन्म दिया वो तक को हाथ लगाने को तैयार नहीं थे, तो हमारे साथियों ने हमारे कर्मचारियों ने उस टाइम उनका ये सेवा में अपना योगदान दिया। हम ये कह रहे हैं कि वो सुरक्षा बीमा हमारे लिए कौन सी बड़ी बात है, जब आप अन्य विभागों में दे रहे हो 50 लाख, हमारे कई साथियों की डेथ हुई है उनको इस चीज का लाभ नहीं मिला, 50 लाख जोखिम 4000 रूपए जोखिम हमारे को नहीं मिला। हम ये कह रहे हैं कि चिट्ठी पत्र के माध्यम से इस मामले को शॉर्ट आउट करें, निवेदन कर रहे हैं बार बार कि सरकार बैठकर इसमें बातचीत करके निपटाए इसको, लेकिन भागने से और मीटिंग बुलाने से और उसमें उठ के भाग जाने से मंत्री कथनी कथनी हो रही है, करने में कोई फर्क नहीं, करनी और कथनी में फर्क है तभी तो हम यहाँ हैं। करनी और कथनी में फर्क है, सिर्फ कथनी कथनी है, करनी तो है। हम हमारी जो है काम छोट दो दिन की जो है टूल डाउन पैंट डाउन हड़ताल, तो आज हमारी मीटिंग है, मीटिंग के दौरान अब बोल रहे हैं इसमें क्या रहता है। और आपको सरकार का अगर आज कोई बुलावा आता है तो यह सर नहीं तो इसको आगे बढ़ाने की भी अगर बात की गई हड़ताल करनी पड़ी तो नगर पालिका कर्मचारी पीछे नहीं हटेगा। और मैं पूरे रूप से आप लोगों से भी मीडिया के साथियों से भी अपील कर रही हूँ कि आप लोगों के माध्यम से हमारी आवाज तो इसको ज्यादा से ज्यादा हमारी आवाज किया जाए, आम नागरिक तक पहुँचाया जाए। और हमारे जो सीवर के साथी हैं 20-25 फुट गहरे सीवर के अंदर करते हैं, उसके बावजूद 6 महीने हो गए, 7वां महीना उनको लग गया, उनको सैलरी तक नहीं मिली और सैलरी के नाम पर सिर्फ एक गुजारा बनता है जिसको 8000 रूपए सैलरी कहते हैं, 8000 में नया 2500 छोड़ेगा क्या? हम ये कह रहे हैं कि आप एक बार मंत्री बनते हो तो आपकी एक बार पेंशन तैयार हो जाती है, दो बार बने तो दो बार तैयार हो जाती है और तीन बार बनो तो आपके तो लाइफ टाइम में निकल जाता है।
हम ये कह रहे हैं कि ऐसा 60 साल हमारा कर्मचारी सेवाएं देता है, उसकी पेंशन आप लोगों ने बंद की, एनपीएस लगाया, ये जो जैन हमारे मत्थे टेका है, हम ये कह रहे हैं कि इसको निकाल करके हमारी पुरानी पेंशन स्कीम उसको लागू किया जाए। और हमारा जो एक्सग्रेशिया पॉलिसी है, हमारे जो पार्ट टू के कर्मचारी हैं, इनमें से कई कर्मचारियों की डेथ हुई है, उनको भी हम ये कह रहे हैं कि भाई उनके आरसीतों को भी, ये कच्ची पक्की ही सही, लेकिन नौकरी तो मिले, उसमें बड़ा मुकाबला हो बच्चों का, जो कि सरकार और हमारे को फिर से गुलामियों में जा रही है। हम ये कह रहे हैं कि सरकार हमारे पर ध्यान दे, ये वही कर्मचारी हैं जो कोरोना के चलते, जो अन्य बीमारियों के चलते आप लोग आज स्वस्थ और स्वच्छ जो हो, तो वो मेरे कर्मचारियों के कारण ना कि आप लोग जो ये अवार्ड देते हो सचिन तेंदुलकर और अमिताभ बच्चन को, क्या अमिताभ बच्चन और सचिन तेंदुलकर सड़कों पर झाड़ू नहीं मारने आता, वो शहर को साफ करने नहीं आता, शहर को साफ करने मेरा कर्मचारी आता है, वो अपने घरों को सुबह 6 बजे ताला मार के लोगों को स्वस्थ रहने के लिए तैयार करता है। हम लोगों के माध्यम से पूरा रूप से अपील करते हैं सरकार से कि समय रहते हमारी बातों पर ध्यान दिया जाए, हमारी मांगों को पूरा किया जाए, नहीं तो नगर पालिका इस बार आप आर पार की लड़ाई लड़ेगा, यह हम आपको क्या देना चाह रहे हैं सरकार।